हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेट्रीज टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे सेट्रीज टैबलेट की संपूर्ण जानकारी, जिसमें जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज किया जा सकता है, साथ में जानेंगे इसके डोज, साइड इफेक्ट्स और कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको सेट्रीज टैबलेट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, सेट्रीज टैबलेट के अंदर जो है सेट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम मिल जाएगा, जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की दवा है। यह टैबलेट एलकेएम हेल्थ साइंस कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो 18 रुपया है। 18 रुपया में जो है एक स्ट्रिप मिल जाएगा। इसके एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट आता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के। और इसके यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है, यदि किसी व्यक्ति को जो है किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है एलर्जी के कारण आँखें लाल हो गया हो, या आँखों से पानी आ रहा हो, आँखों में खुजली आ रहा हो, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की एलर्जी, चाहे वो खाने से एलर्जी हो, फूड एलर्जी हो, या मेडिसिन के कारण एलर्जी हो, या मौसम के कारण एलर्जी हो, सभी कंडीशन में जो है सेट्रीज टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है छोटे कीड़े ने काट लिया हो, इंसेक्ट में बाइट कर लिया हो, जिसके कारण जो है त्वचा में खुजली हो रहा हो, उसमें सूजन आ गया हो, रेडनेस हो गया हो, लाल हो गया हो, तो सभी को ठीक करने के लिए जो है सेट्रीज टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है एलर्जी के कारण नाकों की दीवारों में सूजन आ गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है सेट्रीज टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जो है शरीर पे चकते हो गए हो, रेसेज हो गया हो, या शरीर में खुजली हो रहा हो, या आंखें लाल हो गया हो, या खांसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एलर्जी कफ हो, एलर्जी के कारण खांसी हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है सेट्रीज टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल खांसी, जुखाम, स्किन एलर्जी में भी किया जा सकता है। बोल सकते हैं सभी प्रकार के एलर्जी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में एक एक टेबलेट दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और बच्चों की बात करें तो जिन बच्चों का उम्र 6 साल से लेकर 12 साल है, उनमें जो है आधा टेबलेट जो है दिन में 2 बार दिया जा सकता है। आधा टेबलेट सुबह में, आधा टेबलेट शाम में दिया जा सकता है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है इसका ड्रॉप सिरप आता है, सॉरी सिरप आता है, ड्रॉप्स आता है, सिटी क्लोराइड के ड्रॉप्स आता है, उसका इस्तेमाल। इसके डिफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, सुस्ती आना, सिर में दर्द हो सकता है, या ज़्यादा प्यास लग सकता है, मुंह सूखना, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप जो है सेट्रीजिड टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करें। मतलब सेट्रीज टेबलेट का इस्तेमाल, या बोल सकते हैं सेट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करें, और अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। और इसकी सावधानी की बात करें तो प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और 2 साल से कम उम्र के बच्चों में भी जो है इसका इस्तेमाल ना करें। और यदि किसी व्यक्ति को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनमें जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल के सेवन करते हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें। यदि कोई व्यक्ति जो है अल्कोहल के सेवन किया है तो उन्हें जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को जो है इसमें उपस्थित इंग्रेडिएंट्स है, यानी सेट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड से किसी प्रकार की एलर्जी होता है, तो उस कंडीशन में भी जो है सेट्रीज टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इस टेबलेट को जो है 60 साल से अधिक उम्र में भी दिया जा सकता है, ओल्ड एज में दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किडनी और यदि किसी व्यक्ति को लीवर रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनमें सावधानी के साथ और डॉक्टर की सलाह से ही जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था सेट्रीज टेबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आ सके।